Hey guys, very good morning and welcome back to Chaudhary Tales. आज है 2nd Feb और हम regular vlogging शुरू कर रहे हैं फिर से, कि बीच में लग गया था gap क्योंकि हम गए थे travelling में. वो vlogs मैं upload करूंगा धीरे धीरे करके, वो भी आ जाएंगे. बट आई थिंक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग गए थे राजस्थान हम गए, फिर राजस्थान के अंदर हम घूमने गए थे, भानगढ़ किला गए थे, उसके बाद एक शादी थी अजमेर में वो अटेंड की थी. वो ब्लॉग्स भी धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा और सॉरी फॉर द डिले. और वो ब्लॉग्स मिस करने के लिए अभी हम जा रहे हैं रोहिणी, जो दृष्टि है उसका एग्जाम है. दृष्टि, आर यू रेडी? रेडी, यस, फाइनली. तो गाइस लेट्स गो. गाड़ियों करते हैं आगे पीछे, क्योंकि इसको ले जाएंगे मैडम ऑफिस, हम जाएंगे इससे. तो हम आ चुके हैं विकासपुरी फ्लाईओवर पर. सीधा फ्लैग, कितना प्यारा लग रहा है फ्लैग. जय हिंद, जय भारत. क्या मस्त सन निकला हुआ स्टेज है ना. यहाँ हो गई गाड़ी टच इस दूसरी डीटीसी बस से. ये हो गया लफड़ा यहाँ पर. इनका ऐसे होता है यार, ये लोग ब्लू लाइन वाले बस वाले बिल्कुल ऐसे चलाते हैं गाड़ियों को, आग की तरह, गोली की तरह चलाते हैं. हम पहुंच चुके हैं दृष्टि के सेंटर जहाँ इनका एग्जाम है. सो गाइस ऑल द बेस्ट, थैंक यू. चले चलते हैं, देख के आते हैं कैसी नजर. दृष्टि जा चुकी है एग्जाम देने के लिए तो हम चलते हैं. तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, धूप बड़ी मस्त खिलखिला के निकली हुई है और हम जल्दी भी उठ गए थे आज. तो अब हम खा रहे हैं फ्रूट्स, फिर चलते हैं हम जिम, क्योंकि यहाँ से हमारी जिम है पास में ही. मतलब एनी टाइम फिटनेस से कहीं पर जा सकते हो अब. तो बेसिकली जब तक इसका एग्जाम 12 बजे तक होगा तो हम वर्कआउट वगैरह कर लेंगे और फिर मिलते हैं फिर दृष्टि से वापस. सृष्टि का तो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका था 3 दिन पहले, उसका भी यहीं पर आसपास ही सेंटर था. अपने ब्लॉग में देखा ही होगा, पुराने ब्लॉग में. मैं रोहिणी में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब ऐसी जगह पे बहुत फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ. क्या मस्त चौड़े चौड़े रोड है यार, बहुत खुले खुले रोड है यहाँ पर. तो ज्यादा ही अच्छा एरिया लग रहा है मुझे तो ये, पर अंदर आने में ट्रैफिक जाम बहुत है यहाँ पर आने में यहाँ तक. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब रोहिणी सेक्टर 6 के आसपास, एक मॉल है यहाँ पर. तो ये रहा अपना जिम ऊपर, नेक्स्ट शोरूम ऊपर. गाड़ी पार्क कर दी है MCD पार्क में, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं थी. तो पता नहीं पानी बारिश से हो रही कहीं पर, मैंने पूछा क्यों हो रहा है, बोल रहे भैया पानी ऊपर मार रहा है, मतलब क्लाउड्स को डस्ट स्मोक सेटल करने के लिए, तो उसका हो रहा है पूरा पानी पानी कर रहा है पूरे में. चलिए भाई, बहुत पानी कर रहा है यार. गाइस हो चुकी है हमारी जिम कंप्लीट और हम चल रही है. अभी टाइम लगेगा दृष्टि का पेपर होने में टिल 12, तो तब तक हम कहीं घूम के आते हैं, काम करते हैं, लैपटॉप वीडियो एडिट करते हैं. चलो गाइस, कॉफ़ी तो डेली पीते हैं, आज मेरे को मिल गया यहाँ पर फ्रेश नारियल पानी पीते हैं गाइस. और फिर दृष्टि को करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर CCD भी खुली हुई नहीं है. टाइम इज़ अराउंड 10:40 और है तो बहुत दूर है यहाँ से. बट आई प्रेफर कि आप नारियल पानी पीते हैं, मलाई नारियल लेते हैं भाई. नारियल वाले भैया नहा रहे हैं पर अभी, उन्होंने बोला भैया भाई चैन से नहा रहे तो कम से कम. बॉय काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई पानी की ब्रो इसमें. तो एक पानी वाला लेते हैं फिर एक लेंगे नारियल वाला, सॉरी मलाई वाला. बस 2 मिनट में शायद 12 बज जाएंगे, फिर दृष्टि आ जाएगी. वेट करते करते बाहर ही वेट कर रहे हैं, पर गाड़ी में लाइन लगी हुई है. सो दृष्टि इज फाइनली हियर. How did the exam go, kid? Huh? कैसा गया? अच्छा गया. हाँ, पक्का? Are you sure? Yes. कितना sure? मतलब बहुत ज़्यादा बीच में ऐसा हो गया था कि और time manage नहीं कर रहा था. Oh. ठीक है, कर लिया. चलो guys, चलते हैं घर, 1 घंटा दिखा रहे हैं यहाँ से. चलिए. स्कूल टाइम होने की वजह से हमको ऑलमोस्ट लग गया 1 घंटा, जहाँ सुबह हमको लगा था 35 मिनट्स, अब 1 घंटा ऑलमोस्ट गाड़ी चला चलाते हो गया. दृष्टि तो नींद की चीज है. बैक होम गाइस. चीकू पूछना है कि एग्जाम कैसा हुआ है. तो गाइस अब हमारा प्लान बन चुका है थोड़ी मस्ती करने का, क्योंकि सृष्टि के एग्जाम खत्म हो चुके हैं. तो हम सोच रहे हैं मूवी दिखा के लाते हैं बच्चों को. तो आपको वहां से डायरेक्टली आ जाएगी MBS मॉल, हम भी जा रहे हैं वहीं पर. और 5:10 का शो है पठान का, बहुत ही हवा है इस मूवी की. चलो देखते हैं कैसी मूवी होती है. एंड हमारी तोता भी एक रेडी है, एक तोता ये रहा, दूसरा तोता कहाँ है, दूसरा तोता वो रहा. सो अभी बस कैब बुक किया है, गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी
अपू पास गाड़ी है, तो गाइस चलते हैं फिर मिलते हैं आगे। हम चीकू को भहका के जा रहे हैं। ये रहा, उसको हमने दे दी गाजर और फिर है बच्चों को बुला लिया, वो देखते रहेंगे इसको। आज सुबह आयु को फोन आया, भाई आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, बोल दिन से क्या हुआ। आज कल आएगा ब्लॉग और आयु भी आएगा। हेलो तो बोलो आयु। हाय गाइस। पहुंच चुके हैं फाइनली मॉल। अप्पू थोड़ी देर में आ जाएगी, तो हम देखते हैं अंदर जाकर। यहाँ पे ऑलरेडी शायद पहुंच चुकी है अप्पू। रुको बेटा, यहाँ से चलना, क्रॉस करना। किड्स डे आउट। सस्ती सस्ती अलग है ना, कितने सालों बाद मॉल में आए हैं ना। ठीक है, तुम कपड़े लेने आते थे पहले? हाँ, सब कुछ मिल जाता है, जरूरत नहीं पड़ती तुमको। करीब को एक बहुत बड़ा टेडी बेयर दिख गया, इतना बड़ा टेडी बेयर हूँ तो सही मैं, तो उनको फोटो क्लिक करानी है उसके साथ। कर रहे हैं अपना फोटो शूट। मैं थोड़ा तो खाना खा लेता हूँ, भूख सी लग रही थी। एक लेते बुरीटो अप्पू के लिए भी, अपने लिए, और वेट करते हैं। बस वो लोग आ गए उधर से। तो गाइस चीयर्स फॉर द बुरीटो मील एंड फ्राइज। वुड लाइक टू हैव गाइस? नो। हियर शी इज, जो हमारा खर्च उठाने वाली है। हम आ चुके हैं मूवी देखने के लिए। ये मैडम जी का ऑफिस अभी भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है। फर्स्ट पार्ट कैसी लगी? है ना, फर्स्ट पार्ट अच्छा है। चलो, तो बेसिकली गाइस अभी इंटरवल हुआ है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। अप्पू पसंद नहीं आती ऐसी मूवी, एक्शन एक्शन हमको वो सोच ही रही है, बट वी आर वॉचिंग। अभी तो अपना काम कर रही है, लैपटॉप वगैरह में, और अपना आराम से मिंत्रा शॉपिंग चल रहा है। चलिए, ट्राइंग आउट दिस मशीन। यहाँ से आप ऑर्डर करो डायरेक्टली, हम ले सकते हैं यहाँ से। नाइस ना, तो क्या लेना है? पॉपकॉर्न लार्ज, ऑल में सब कुछ आ जाएगा। शेक तो उधर मिलेगा ना, केविंटस वो अलग है। हमने यहाँ से ले लिया केविंटस से सिस्टरिस्टिक शेक, बिकॉज दे लव केविंटस का शेक। मैंने लिया है अल्फांसो मैंगो, उन्होंने लिया है बटर स्कॉच क्रंच। तो कॉफी शॉप पे रुका था, फार्मेसी पे भी, ये ले पेन किलर। मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन फिर अपू घर भी लेते पहले। अपू अगर जिसको नींद, भाभी के साथ जिसको नींद ना आ रही हो, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो हाउ डिड यू लाइक गाइस? सुपर, मजा आ गया। मतलब बहुत सीरियसली, तो बहुत बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, ये पूरा वो ना, ये पूरा एजेंडा था कि मेरे को बोर बोलना है, कि इसलिए। कैसे लगे सचिन तुमको? सही ना, कूल। यहाँ तो अपू ये दोनों खराब है, तुम खराब हो भाई। मेरा अपना रिव्यू दे दूँ तो गाइस, आई लाइक द मूवी, मुझे तो बहुत पसंद आई। एवरीवन नोस के अपू कहाँ ढूंढ सकते हैं हम लोग? बेल्जियम वफल के पास ही। ये आ गया है माय वफल्स, बट माय वफल्स आर हियर एंड माय वफल एवरग्रीन वफल इज हियर। अपू क्या हुआ? ये आपके लिए आया है, देखो मीठा मीठा अपू, मीठा मीठा, जो आपने वर्कआउट किया ना, बराबर निकालो उसको। तो गाइस सस्ते सस्ते गई है, अब शॉपिंग करने जा रहा अपू के साथ। मैं आ गया थोड़ी सी टेक शॉपिंग करने के लिए, क्रोमा। मेरे को एक्चुअली ना हेडफोन्स लेने हैं, बहुत टाइम सोचा था पापा के लिए हेडफोन्स गिफ्ट करने के लिए, तो उनके लिए हेडफोन्स लेता हूँ वन प्लस के। उनको वन प्लस का फ़ोन है तो उसके लिए चाहिए थे, मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत गाली खाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मैं बिना पूछे सरप्राइज ले लिया है एंड द गिफ्ट इज़ हियर। तो चलिए फिर देंगे पापा को, पहले आपको से गाली खाएंगे। इट्स वेरी इजी टू स्पॉट देम, ग्रीन कलर में तोते ही रहे। हेलो पैरट्स, हेलो पैरेट्स, हेलो। कोई हैक मिला है? व्हाट इज द हैक दृष्टि? इसकी प्राइस क्या है? पहले स्टिकर था 990 का, फिर इन्होंने लगाया 790 का। तू भी मैं ले लेती हूं 590 है। अगली बार से ये स्टिकर लेके चलेंगे साथ में पॉकेट में। नाइस, आप क्या ले रहे हैं मैडम? हम तीनों ने सेम। अच्छा, पहनो कब? कल। तो गाइस हमने टेबल ढूंढ लिया, ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बस हम बैठे हुए हैं, ये लोग सब शॉपिंग कर रहे हैं गाइस। एटर्निटी लेटर फाइनली, एक घंटा पहले इनको लेना था परफ्यूम, परफ्यूम कितने कितने सामान ले आए लोग, वाह। तो गाइस ये था हमारा आज का रैप अप, इन्होंने कर लिए शॉपिंग, हमने देख लिया मूवी,
और हम भी करेंगे कल शॉपिंग, शायद कल मेरी घड़ी आ जाएगी फाइनली जो कि अप्पू दिला रही है। ये शशि अब तो मूवी फिर से बाबा पूछूंगा कि अप्पू अच्छी लगी ना, इसलिए बाबा पूछूंगा मैं। 2/10 मतलब 20/10। तो अब हम जा रहे हैं घर गाइस, इस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है, 9:50 ऑलमोस्ट 10, ट्रैफिक कम दिख रहा है तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो गाइस सस्ती सस्ती बताना कैब एक्सपीरियंस बताओ अपना, जिस कैब में तुम आए थे। कैब पूरी खुली हुई एक तरीके से, मतलब ऐसा लगता है सब बिखरती हुई जाएगी। ये वो मूवी है ना, धमाल तेरा सा नाम धमाल, ऑल द बेस्ट, नहीं कौन सी हुई, ऑल द बेस्ट थी वो, आता है एकदम ऊपर से जंप मार के पूरी गाड़ी फैल जाती है उसकी। हाँ भाई वैगनर गाड़ी आई थी कैब में, एंड इट वाज लाइक यू नो कभी गाड़ी बंद हो रही है, कभी उसको शीशे ऊपर नहीं चढ़ रहे, चलती हुई गाड़ी में गेट खोल के शीशे चढ़ा रहा हूँ उसके, मतलब गेट डोर खोल कर फिर लगाया है फिर शीशा चढ़ाया है, ओके ये चढ़ गया। उसके बाद बीच एरो सिटी में, एरो सिटी के बीच में ट्रैफिक रेड लाइट पे गाड़ी का कंडीशन खत्म हो गया, बोल रहे भैया पावर नहीं आ रही गाड़ी, पावर नहीं आ रही, मतलब तार लगाता हूँ अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ उसने बोल रहा भैया कल ही रिपेयर होकर आई ना, तो बैटरी तार लगाना भूल गया था, वो बैटरी तार लगा रहा हूँ, ये हालत रिपेयर होने की बात है। तो भाई बड़ी खतरनाक गाड़ी थी उसकी यार, बट बहुत क्यूट बंदा था वो, उसने पहुंचा दिया टाइम पर। तो गाइस हम पहुंच चुके वापस घर अपने, और फाइनली आज का दिन हम यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चौधरी टेल्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।